नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जूनियर NTR ने खुल करके तारीफ की है पृथ्वीराज सुकुमारन की एंड द रियल गोट मतलब कि अधोजीवितम फिल्म की, और ये भी कहा है कि इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड जीतना चाहिए। दोस्तों, ये शब्द हैं जूनियर NTR के। तो दोस्तों, आखिरकार उन्होंने क्या क्या कहा है पृथ्वीराज के बारे में, द रियल गोट मतलब कि अधोजीवितम फिल्म के बारे में, पूरी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, और साथ ही साथ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आसानी से मिलती रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें, जूनियर NTR ने अपने हालिया इंटरव्यू में बयान दिया है कि मैंने द रियल गोट मतलब कि अधोजीवितम फिल्म देखी है, जिसको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार लोगों की कैसी कैसी जिंदगी है, जिनकी बाहर जाकर के मतलब पूरी की पूरी एक रियल जो घटना था, जो इंसिडेंट था, उसको पृथ्वीराज ने अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से, अपने एक्टिंग के माध्यम से जाहिर किया है साफ साफ, जो कि दिख रहा है मूवी में, और पता लग रहा है कि बंदे ने 16 साल काम किया है। भाई सच बताऊं तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया है। मैं खुद भी फिल्में करता हूं, मैं खुद भी एक्टर हूं, पर मैंने कभी इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया होगा एक फिल्म के लिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल काम कर सकता हूं, 2.5 साल काम कर सकता हूं, पर 16 साल, यार दिल से सल्यूट है भाई बंदे को, बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा पृथ्वीराज। हालांकि वो अभी भी पीक में है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हाल ही में उसने सलार में भी काफ़ी अच्छा काम किया था, पर भाई द रियल गोट के लिए ना उसके लिए दिल से इज्जत आ गई है। साथ ही साथ मैं तारीफ करना चाहूँगा माला पॉल की, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा एक्ट किया, एंड साथ ही साथ ब्लेसी ने क्या नेक्स्ट लेवल डायरेक्शन किया यार। ब्लेसी को भी एक हाई लेवल का अब दर्जा मिलना चाहिए, जैसे SS राजामौली सर को मिला है। तो दोस्तों, इतना कहकर जूनियर NTR ने अपनी बात खत्म कर दी थी। अब आप लोगों ने कॉमेंट करके बताओ कि आप लोग जूनियर NTR के इस स्टेटमेंट से कितना ज्यादा एग्री करते हो। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना, मिलेगी अगली वीडियो में, धन्यवाद।